फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 5, नंबर्स फ्रॉम 10 टू 20। तो ये सबसे पहले क्या दिया है? यस, स्टिक्स। हाउ मेनी स्टिक्स आर देयर? लेट्स काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये कितनी है? 10। और इस तरफ अ बंडल ऑफ 10, मतलब ये जो यहाँ पे बंडल है वो कितनी होगी? कितनी स्टिक्स होगी? यस, 10। नेक्स्ट, चेरीज। हाउ मेनी चेरीज आर देयर? लेट्स काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये कितनी चेरीज है? 10। तो यहाँ पर ये जो बंडल है उसका चेरीज का पूरा वो कितनी होगी टोटल? 10। अ बंडल ऑफ 10। मैच स्टिक्स, लेट्स काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये कितनी मैच स्टिक्स है? 10। अ बंडल ऑफ 10, मतलब अगर ये 10 को हमने बांध लिया तो वो क्या बन गया? बंडल। अ बंडल ऑफ 10। फिर है बनानास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अ बंडल ऑफ 10। तो यहाँ पे कितने हुए बनानास? 10। तो अगर हम इन्हें इसे एक साथ में कर दिए तो ये कितने हो गए? अ बंडल ऑफ 10। मेक अ ग्रुप ऑफ 10, मतलब हमें यहाँ पे 10-10 के ग्रुप्स बनाने हैं। तो देखो, फर्स्ट हमने कंप्लीट करके दिया हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखो, ये 10 में सर्कल किया है? यस, तो ये 10 का ग्रुप बन गया? यस। फिर क्या है ये? कैंडीज। तो इसको भी हमें क्या करना है? 10 के ग्रुप में बनाने हैं, यानी कि 10 के ग्रुप बनाना है इसमें। लेट्स काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अभी इसको हमें क्या करना है? इसके ऊपर सर्कल, और ये 10 का ग्रुप बन गया। नेक्स्ट है जार्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अभी ये बन गई 10 जार्स हो गई। तो अभी हम इसको क्या करेंगे? सर्कल, और ये 10 का ग्रुप बन गया। फिर क्या है ये? लीव्स। लीव्स को भी हमें ग्रुप बनाना है। कितने का ग्रुप बनाना है? 10 का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। तो अभी इसको हमें क्या करना है? सर्कल। तो फिर ये 10 का ग्रुप बन गया। फिर है चॉकलेट्स। तो इसको भी हमें 10 का ग्रुप बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे? सर्कल। तो भी ये भी 10 का ग्रुप बन गया। यस। काउंटिंग फ्रॉम 10 to 20। फिल इन दी ब्लैंक्स। तो इसमें सबसे पहले क्या है? ये मैच स्टिक्स। हाउ मेनी मैच स्टिक्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 plus 1, तो 9 plus 1 कितने हो गए? लेट्स काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कि ये पूरा बंडल है, तो बंडल ऑफ 10। तो ये कितने हुए? 10। फिर ये बंडल ऑफ 10 plus 1, तो 10 plus 1 कितने हो गए? 11। तो ये 10 plus 1 यानी कि
इलेवन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इलेवन। देन बंडल ऑफ अ टेन प्लस टू, तो टेन प्लस टू कितने हो गए, ट्वेल्व। तो यहाँ पे कितने है ये, ट्वेल्व। फिर क्या है ये, अ बंडल ऑफ टेन प्लस वन टू थ्री, थ्री। तो टेन प्लस थ्री कितने हो गए, थर्टीन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थर्टीन। फिर क्या है ये, टेन प्लस फोर इज इक्वल टू फोर्टीन। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, फोर मैट्रिक्स ड्रॉ करनी होगी ताकि वो टोटल फोर्टीन हो जाए। फिल इन द ब्लैंक्स, अ बंडल ऑफ टेन प्लस फाइव मैट्रिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव इज इक्वल टू, टेन प्लस फाइव इज इक्वल टू फिफ्टीन। तो अ बंडल ऑफ टेन एंड फाइव मैट्रिक्स, टोटल फिफ्टीन। फिर ये बंडल ऑफ टेन प्लस सिक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन। तो ये टोटल कितनी होगी, टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन। तो ये टोटल सिक्सटीन हुई, यस। उसके बाद टेन प्लस सेवन इज इक्वल टू सेवनटीन। तो यहाँ पे हम टेन में कितनी मैट्रिक्स अगर हम ड्रॉ करेंगे तो टोटल सेवनटीन हो गए, यस सेवन। तो वी ड्रॉ हियर सेवन मैट्रिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो हमने कितनी मैट्रिक्स ड्रॉ की, सेवन। तो टेन प्लस सेवन इज इक्वल टू सेवनटीन। अ बंडल ऑफ टेन एंड अदर सेवन मैट्रिक्स, टोटल सेवनटीन। अ बंडल ऑफ टेन प्लस एट इज इक्वल टू टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एटीन। अ बंडल ऑफ टेन प्लस नाइन मैट्रिक्स, टोटल नाइनटीन। ये टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन। तो यहाँ पे कितने आएंगे, नाइनटीन। फिर अ बंडल ऑफ टेन प्लस अ बंडल ऑफ टेन इज इक्वल टू ट्वेंटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे टू बंडल्स हो गए। मेक अ ग्रुप ऑफ टेन एंड राइट नंबर्स, हमें टेन के ग्रुप बनाने हैं और उसके नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन। तो यहाँ पे कितने लिखेंगे हम, थर्टीन। तो ये टोटल थर्टीन कौन से हैं, तो हमें इसको क्या करना है, और मेक अ ग्रुप ऑफ टेन। तो इसको हमें टेन काउंट करके उसका ग्रुप बनाना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो देखो ये टेन के ऊपर सर्कल है, तो अभी कितने बचेंगे, थ्री। तो ये टेन का ग्रुप बन गया और ये कितने बचे, थ्री कॉन्स। और यहाँ पर भी वन थ्री थर्टीन, यानी कि टेन वन एंड वंस थ्री। फिर क्या है ये, लैम्प, हाउ मेनी लैम्प्स आर देयर, लेट्स काउंट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन। सो वी राइट हियर फिफ्टीन, और यहाँ पे वन एंड फाइव, फिफ्टीन टेन वन एंड वंस फाइव। तो अभी हमें इसका भी क्या करना है, टेन का ग्रुप बनाना है ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो इस टेन के ऊपर हमें क्या करना है, सर्कल। फिर क्या है ये, ऑनियंस, ये टोटल कितनी है, लेट्स काउंट, वन टू
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 18. So we write here 18. तो यहाँ पे अभी इसको क्या करना है, 10 का ग्रुप बनाना है. तो अभी पहले हम 10 काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो इसके ऊपर हम सर्कल करेंगे ताकि वो एक ग्रुप बन जाए. अभी कितने 10 हो गए, ये 1, और कितने बचेंगे ऑनियंस, 8. लेट्स काउंट दिस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 19. फिर 10 का ग्रुप बनाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो इसमें अब क्या करेंगे हम, सर्कल. ठीक है, तो अभी 10 कितने हो गए, 1 and 1's 9. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 9, और यहाँ पे 1. ऐसे ही आपको ये वाला पेज कंप्लीट करना है. ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये कंप्लीट करना है. कंप्लीट दी टेबल. यहाँ पे क्या है, ये 1, 10, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं, इज इक्वल टू 10, 10, 10. तो आपको इन सब में क्या करना है, 10, 10 लिखने हैं. ठीक है, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. 1, 10, 1, 1 इज इक्वल टू 11. तो आपको यहाँ पे 11, 11, 11, 11, 11 लिखने हैं. 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11. ऐसे ही आपको ये कंप्लीट करना है. 1, 10, 2 1's इज इक्वल टू 12, यानी कि 10, 11, 12. तो कितने हुए ये नंबर टोटल, 12. तो आपको इसमें 12 लिखना है. 12, 12, 12, 12, 12, 12. ऐसे ही 13. 1, 10, 3 1's इज इक्वल टू 13. ये 10, 11, 12, 13. तो यहाँ पे क्या आएगा, 13. फिर आपको इसमें 13 लिखने हैं. फिर 14. 1, 10, 4 1's इज इक्वल टू 14. 1, 10, 5 1's इज इक्वल टू 15. 1, 10, 6 1's इज इक्वल टू 16. 1, 10, 7 1's इज इक्वल टू 17. 1, 10, 8 1's इज इक्वल टू 18. 1, 10, 9 1's इज इक्वल टू 19. 1, 10, 1, 10 यानी कि 2, 10's 2, 10's इज इक्वल टू 20. इन सभी में आपको जो नंबर है 20 वो सारे लिखने हैं. ऐसे 20, 20 वैसे ही सब में लिखने हैं.